नहीं, इस्तीफा देने को एकाध कारण थोड़ी होता है जी, तो क्या कारण है? वही छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर जो आदिवासी समुदाय है वो जानना चाहती है आपसे। देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि इस सरकार ने जो आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार है उनको अनदेखी कर रही है, ठीक उल्टा कर रही है। और आज प्रदेश में कई इलाकों में, आदिवासी इलाकों में असंतोष और धरने प्रदर्शन रैली हो रहे हैं। और सबसे जो मुझे तकलीफ हुई है कि जो पेशा कानून जो हम लोगों के समय बना पार्लियामेंट में, उसको उस कानून को हमने बहुत सोच समझ के बनाया था, इसलिए कि जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि पेशा कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जो आदिवासी हैं उनको अधिकार उनका मिल जा सके और जल जंगल जमीन की जो लड़ाई वो लड़ते हैं वो मिल सके। सर लेकिन मैं जल जंगल जमीन पे, इस कानून में जल जंगल जमीन पे अधिकार समाज को भी, गांव सभा को भी है, और इनके बिना परमिशन के, बिना अनुमति के सरकार भी उसमें दखलअंदाजी नहीं कर सके। बहुत बड़ा अधिकार पेशा कानून में मिला, उसको ख़त्म कर दिया पिछले 9 अगस्त को, इसीलिए हमने ये 9 अगस्त का दिन इसीलिए चुना था, इंतजार कर रहा था। और उस कानून के खत्म होने से आज अस्तित्व खतरे में है, जल जंगल खतरे में है। सर लेकिन भूपेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है पूरी तरीके से आदिवासियों के लिए काम कर रही है, तो ऐसे में आप असंतुष्ट क्यों हैं सर? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरगुजा में जो कोल बेल्ट है हसदेव, वहाँ 4-5 साल से आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? बस्तर में सिलगेर में 2.5 साल से धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? बस्तर में 20-25 जगह से 1 साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? 4 जगह यानी जो आयोग बैठा था जुडिशल इंक्वायरी का, उसका रिपोर्ट आ गया जो गोलीकांड का, उसका आज तक तो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? हम समाज जाना चाहता है, समाज उसमें शहीद हुआ है, मरे हैं लोग, आदिवासी मरे हैं, क्या जानने का हक नहीं है क्या समाज? आप चलिए ठीक है, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन सर आपके विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है ना कि आप एक बार कांग्रेस छोड़ते हैं फिर बीजेपी में आते हैं फिर कांग्रेस छोड़ते हैं, तो आखिर ये जो एक घटनाक्रम चलता कैसे, फिर आप जो शामिल हो जाते हैं? क्या स्वाभिमान बेच के पार्टी में रहेगा क्या जी? तो फिर हम आदिवासी हैं, स्वाभिमान बेच के राजनीति में नहीं रहते न करते। अगर जिस दिन लगता है कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है लात मार के चल देते। लेकिन जो और आदिवासी विधायक हैं वो तो आपको कह रहे हैं कि आप जो है राजनीति किए हैं, बस्तर का विकास, आप तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, तब बस्तर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, केवल उसका सीधा आरोप लगाते हैं कि आप। अरे जो लोग अपनी जबान नहीं खोल सकते पेशा कानून में अधिकार खत्म कर दे, क्यों नहीं बोले? क्या इसीलिए भेजे गए? अगर हमसे पूछे तो आए सामने, हम बता देंगे कि इस देश में आबकारी नीति हमने बदलवाया, इस देश में आपके बस्तर में जो पाइन प्लांटेशन हमने रोका, बोध घाट को हमने रोका, इनको क्या पता नहीं है? ये कि अधिकार खत्म हो गया, उसमें आज तक किसी ने जबान नहीं खोला। आप पूछेंगे, अब तो इन्हीं से पूछेंगे ना, कि आने वाले चुनाव में इन्हीं से पूछेंगे क्यों वहां हमको समझाओ। अच्छा फाइनली अब जो है अब आदिवासियों की हक की बात, जल जंगल जमीन की बात अब आप कैसे करेंगे, किस बैनर के तले आप जो है 2023 का विधानसभा चुनाव जो 50 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हो? सामाजिक मंच बैनर, सामाजिक मंच होगा, उस बैनर पे लड़ेंगे, विश्व रूप से सामाजिक, समाज को जगाने के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई राजनीतिक कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों, उसकी हम चिंता नहीं करते। पर जिस दिन, अरे हमारे पुरखे 150 साल पहले अंग्रेजों से लड़े, उस जमाने में क्या उनको अकल आ गई थी क्या? कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा, जल जंगल जमीन पे अधिकार खत्म हो रहा था, या अंग्रेजों ने किया, आज भी वही मंशा है। अगर सरकार नहीं समझती तो हम क्या करें? देखिए उसको आप बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार में जो है भूपेश सरकार जो है आदिवासियों के हित में काम नहीं की, तो आप क्या इसकी शिकायत या इसकी जानकारी ऊपर आला कमान को नहीं पहुंचाए थे क्या? क्योंकि आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, सभी बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। नेताओं से पूछना, आला कमान कितने लोगों से मिलती रही है, भेटी नहीं होती। सोनिया गांधी अभी तक नहीं मिली आपसे, राहुल गांधी कोरोना काल के बाद से आज तक भेंट नहीं हुई। आपने कितने बार चाहा कि मैं मुलाकात करूं?
अरे माधवन से पूछ लीजिए, चेक कर लीजिए, माधवन से चेक कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। फाइनली क्या मुद्दे को लेकर अब जो है जनता के बीच जाएंगे और आप बोलेंगे कि भूपेश सरकार आदिवासियों के लिए काम नहीं की है, और आप जो कहते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई और अधिकार पेशा कानून जो है हम अपने लोगों के बीच रखेंगे? अरे भाई जब कानून बन गया है उसकी रक्षा के लिए तो कमजोर क्यों कह खत्म क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो यही तो समझना चाहते हैं सरकार से, अरे कानून को पालन करना चाहिए, सरकार का काम है, सरकार का काम नहीं कानून को खत्म कर दो उल्टा करो जी। तो इतने आंदोलन मैं तो वही कहा ना, इसका बताए ना सही, सरकार तो बताए, लंबी लंबी बात करते हैं। और हमको तो कल विज्ञापन देखा, हम पेशा कानून के पूरे अपने ताकत के साथ उनका अधिकार दिए हैं, जले में नमक क्यों छिड़कते हो सर? लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के नेता जो है आदिवासियों का अपमान करते हैं, फिर क्या आप तो कांग्रेस नेता रहे हैं, अब इस्तीफा दे दिए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में भी आदिवासियों का अपमान हो रहा है? अपमान की बात नहीं है, अधिकार को सुरक्षित रखो, आदिवासियों की जो अधिकार दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करो, ये मूल समस्या है, बुनियादी अधिकार है, संविधान की जो अधिकार दिया गया है उसको लागू करो, ये सवाल है। यहाँ तो अस्तित्व का सवाल है कि वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत की सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो स्वाभिमान के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं और आपके में स्वाभिमान है, तो अब ये लास्ट स्वाभिमान है कि अब आप जो है कोई और पार्टी नहीं जाएंगे, केवल सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, कि चुनाव होने के बाद कांग्रेस या बीजेपी में चले जाएंगे? अब तो किसी राजनीतिक दल में जाने के प्रश्न, इस उम्र में क्या कोई राजनीति करेगा क्या? लेकिन अनुभव तो है ना आपके पास, हो सकता है कि हम समाज को देंगे, वो अनुभव समाज को देंगे, राजनीतिक दलों को नहीं देने वाले हैं। ठीक है, लास्ट सवाल, क्या कांग्रेस जीत रही है 2023 में, क्योंकि अभी 71 सीट है उनके पास? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, और लेकिन जो आदिवासी वाली सीट है वहां पर तो पूरी तरीके से कांग्रेस का बीज है, ऐसे में क्या लगता है कि आपके आने के बाद वहां पर जो है सीट कम होगी? मैं एक बात कांग्रेस से पूछता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, तो अध्यक्ष थे पिछली बार जी। इसी सर्व आदिवासी समाज ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया, 29 सीट में 26 सीट आदिवासी जीता है, जो रिकॉर्ड है, क्या कांग्रेस अपने दम पे जीता है? उनको इतना ही गुमान है तो अब 29 सीट 26 सीट जीत के दिखा दे, यानी काम निकल गया, हो गया। राहुल गांधी दो दो बार मीटिंग हम आंदोलनकारियों के साथ में, उसे सहायता मांगा, मदद मांगी, हमने दिया, और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक दिया इस आंदोलन की वजह से, तो इनके मुगालते में तो रहने दीजिए, हमें क्या। लेकिन सर्व आदिवासी समाज में भी तो दो फुट है, एक जो है कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, एक आप कह रहे हैं तो सरकारी गुट है ना, तो सरकार की दलाली करें ना, हमें क्या दिक्कत है भाई, उनको और मुबारक रहे उनको, मुख्यमंत्री की दलाली करें, सरकार की दलाली करें, जिसकी दलाली करना करें, संघर्ष करना सीखो, आदिवासी समाज खतरे में है, अब उदारीकरण के बाद इस देश में जल जंगल खतरे में है, वो बड़े बड़े कारपोरेट घराने को साथ में ये सरकारें लूट रही हैं, लूटने जा रही है, लूट दिख रहा है आपके ये हसदे वाला में देख लिए, बस्तर में देख लिए, क्या हो रहा है, ये तो सिग्नल हो रहा है ना, ये समझे। ठीक है, लास्ट सवाल, आप कितनी सीटें प्रभावित करेंगे अगर आप चुनाव लड़ते हैं पूरे सर्व आदिवासी समाज के बैनर? ये आंकलन करना हमारा काम नहीं है, हम तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ अरविंद नेताम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्व आदिवासी समाज जो है अब राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और जैसे उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे दिए हैं, और निश्चित रूप से इस्तीफा देने के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है जो आदिवासियों के लिए वादे किए थे 2018 में वो वादे पूरे नहीं हुए, हालांकि विज्ञापन में दिखते हैं, ये बात जो है स्वयं अरविंद नेताम कह रहे हैं। अब देखना होगा कि अरविंद नेताम के इस्तीफे देने के बाद जो है कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है।